Module 6, Child Developmental Psychosocial Stages. Psychosocial Stages was given by Eric Erickson with the concept that the child personality is developed in response to the interaction with the environment. जब बच्चा अपने सोसाइटी के साथ या अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, एट दैट टाइम उसकी पर्सनालिटी जो है वो डेवलप हो रही होती है. एरिक एरिक्सन की जो बेसिक आर्गूमेंट था, दैट वाज अगेंस्ट द फ्राइड, जो कि बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर्स को फोकस करता था. ही सेड कि दैट इज़ नॉट द ओनली मोटिव ऑफ वंस लाइफ, रादर जो एक इंडिविजुअल है वो अपनी लाइफ में कॉम्पिटेंसी जो है वो डेवलप करना चाहता है, और टू अचीव दैट कॉम्पिटेंसी दैट पर्सन इज़ इंटरेक्टिंग विद द एनवायरनमेंट. और जिस वक़्त वो एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है या उसके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डेवलप हो रहे होते हैं, तो हर इंसान जो है वो डिफरेंट 8 स्टेजेस से गुजरता है, और हर स्टेज के दरमियान वो एक ख़ास किस्म के कॉन्फ्लिक्ट को एक्सपीरियंस करता है. और अगर वो उस एक्सपीरियंस कॉन्फ्लिक्ट को जब करता है और उसे पास थ्रू कर जाए, तो वो हेल्थीली दूसरी स्टेज के अंदर मूव कर जाता है. बट ये जो स्टेजेस हैं, ये बेस करती हैं किसी भी बच्चे की इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट से. तो इसकी जो फर्स्ट स्टेज है, दैट इज़ इन्फेंट टू 18 मंथ्स, दैट इज़ ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट. इस दौरान में एरिक एरिक्सन के अकॉर्डिंगली जो नीड ऑफ ट्रस्ट होती है, यानी अगर बच्चे को किसी वक्त अपने पेरेंट्स की ज़रूरत है, इफ़ द पेरेंट्स आर अवेलेबल एट द टाइम व्हेन द चाइल्ड नीड्स, तो उसका जो है ट्रस्ट जो है वो बिल्ट होगा. अदरवाइज़ अगर वो उस वक्त उसको पेरेंट्स अवेलेबल नहीं होते और एक इनकंसिस्टेंसी जो है वो मौजूद रहती है, तो उसकी वजह से बच्चे के अंदर मिसट्रस्ट जो है वो डेवलप हो सकता है. और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ये इन्फेंट टू 18 मंथ्स के अंदर बच्चा एक्सपीरियंस करता है. देन 18 मंथ्स टू 3 ईयर्स के दरमियान बच्चे के अंदर ऑटोनॉमी वर्सेस शेम और डाउट का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो डेवलप होता है. इस दौरान बेसिकली द चाइल्ड इज़ ट्राई टू डू एवरीथिंग एट हिज और हर ओन. जैसा आपने देखा होगा कि बच्चे आमतौर पर कहते हैं मैं खुद खाऊंगा, मैं खुद पहनूंगा, तो वो वाली जो ऑटोनॉमी है वो उनके अंदर डेवलप हो रही होती है. और अगर वो ऑटोनॉमी पेरेंट्स उसके अंदर डेवलप ना होने दें, बल्कि उससे रिलेटेड उसके अंदर शेम डेवलप कर दें या डाउट डेवलप कर दें कि यू आर अनएबल टू परफॉर्म सर्टन टास्क, तो जो बच्चा है उसके अंदर शेम और डाउट डेवलप होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑटोनॉमी. इसी तरह 3 to 5 ईयर्स के अंदर इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट जो है वो उसका कॉन्फ्लिक्ट बच्चे जो हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं. इसमें होता क्या है कि जो बच्चा है वो कोशिश करता है कि वो नई नई गेम्स को ओरिजिनेट करे, उनको इनिशिएट करे अपने पीयर्स के साथ, एंड ही और शी इज़ ट्राइंग टू प्ले दोज गेम्स विद हिज और हर पीयर्स. तो अगर तो उसको इसके ऊपर बैकअप किया जाए तो देन उसकी जो पर्सनालिटी है वो इनिशिएटिव लेने वाली डेवलप होगी. और अगर उसके अंदर उसकी एफर्ट्स को जो है वो प्रेस ना किया जाए, तो उस वक्त जो उसको प्रॉब्लम है वो ये होगा कि उसके अंदर गिल्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा. देन नेक्स्ट स्टेज जो है दैट इज़ इन बिटवीन 5 to 13 ईयर, दैट इज़ इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी. इसके अंदर बच्चा कोशिश करता है कि जो चीज़ें उसने सीखी हैं वो उनको अप्लाई करे. तो अगर तो वो उनको अप्लाई करेगा और उसको प्रेस मिलेगी, देन डेफिनेटली उसकी पर्सनालिटी जो है वो एंडस्टोरियस बनेगी. और अगर वो उसको बैकअप नहीं किया जाएगा और उसको हर वक्त ये एहसास दिलाया जाएगा कि वट एवर ही और शी इज़ डूइंग इज़ नॉट गुड एनफ, तो इन्फीरियोरिटी का जो फेनोमेना है वो उसके अंदर डेवलप हो जाएगा. देन 13 to 21 ईयर्स के दौरान आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन जो है वो डेवलप हो सकती है. उसके अंदर ये होता है कि बेसिकली जो बच्चा होता है चाइल्ड, वो ऐसे रोल्स जो है वो अडाप्ट करने की कोशिश करता है जो उसकी जेंडर आइडेंटिटी से रिलेटेड होते हैं या जो उसकी पर्सनल आइडेंटिटी से रिलेटेड होते हैं. फॉर एग्जांपल, वो ऐसे काम करेगा, अगर लड़का है तो वो ऐसे रोल्स प्ले करेगा जो कि जेंडर अप्रोप्रिएट होंगे कल्चरली. इसी तरह अगर वो खुद से कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, तो ही और शी इज़ ट्राइंग टू
डू दोज थिंग्स, जिस तरह आप कुछ बच्चे आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो वो वैसे काम करेंगे, कुछ डॉक्टर बनना चाहते हैं तो वो वैसे चीज़ें करेंगे. तो इस तरह बेसिकली उनकी जेंडर और पर्सनल आइडेंटिटीज़ जो हैं वो डेवलप हो रही होती हैं. अगर तो वो इंटीग्रेट हो जाए, अगर तो वो चीज़ें वैसे ही चलें जैसा कि वो सोच रहे हैं, तो फिर तो उनकी आइडेंटिटी हेल्दी डेवलप हो जाती है. और अगर वैसा ना हो सके तो देन द चाइल्ड के जो पर्सनालिटी है उसमें एक कन्फ्यूजन डेवलप हो जाती है और वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि बेसिकली व्हाट हैज़ हर पर्सनल आइडेंटिटी इज़. देन इन बिटवीन 21 to 39 ईयर्स इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन जो है वो डेवलप होती है. इस टाइम के दौरान जो बच्चा है, सॉरी, जो यंग एडल्ट है, वो डेवलप कर लेता है क्लोज रिलेशनशिप. जो क्लोज रिलेशनशिप है उस दौरान उनकी कोशिश ये होती है कि वो इंटीमेट रिलेशनशिप डेवलप करें, और अगर इंटीमेसी उनकी अप्रोप्रिएटली डेवलप हो जाए तो उनके जो मैरिटल रिलेशनशिप हैं और जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हैं, जो कमिटमेंट्स हैं, वो डेवलप हो जाती हैं. और अगर इंटीमेसी की जो स्टेज है वो उसको क्रॉस ना कर सकें और अच्छे रिलेशनशिप उनके डेवलप ना हो सकें, हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप ना हो सकें, तो वो आइसोलेशन के अंदर जो है जा सकते हैं. देन 40 to 65 ईयर्स, दैट इज़ द जनरेटिविस्ट वर्सेस स्टैग्नेशन. ये मिडल एज के अंदर होता है जिसमें द पर्सन इज़ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि उसने अब तक क्या किया और उसकी जो वर्ल्ड है उसको उससे कितना बेनिफिट मिल रहा है. ठीक है, यानी उसने किस किस्म की कंट्रीब्यूशन जो है की है. दैट कम्स इन बिटवीन द मिडल एज. अब उसके अंदर जो रिकग्निशन होती है उसके वर्क की, वो या तो उसकी वर्क प्लेस से मिलती है या उसकी फैमिली से मिलती है, और उसको उससे फील होता है कि ही और शी हैज़ डन समथिंग. लेकिन अगर उसकी ये वाली स्टेज फुलफिल ना हुई हो तो उसके अंदर एक स्टैग्नेशन डेवलप हो जाती है और उसे अपनी लाइफ जो है वो पर्पसलेस नज़र आना शुरू हो जाती है. दैन 65 ईयर्स एंड ओल्डर, इसमें इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर जो है वो डेवलप होता है, जिसका मतलब ये होता है कि 65 ईयर की एज के अंदर इंसान जो है वो आमतौर पर अपनी रिटायर्ड लाइफ गुजार रहा होता है और उस दौरान वो रिफ्लेक्ट बैक करता है कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में क्या क्या कुछ किया. इफ़ द पर्सन हैज़ सर्टन सॉर्ट ऑफ अचीवमेंट्स, तो उसके लिए लाइफ जो है उसका मीनिंग होगा, उसको अच्छा लगेगा और उसको सेटिस्फैक्शन होगी. लेकिन अगर उसको फेलियर्स नज़र आएंगी और उसकी सेटिस्फैक्शन अपनी प्रीवियस गुजरी हुई लाइफ से नहीं होगी, तो देन इट इज़ पॉसिबल कि वो डिस्पेयर यानी डिप्रेशन की तरफ जो है वो मूव कर सकता है.